बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर लिंगहरदी पानी टंकी का सप्लाई पाइप फूट गया है और 50 फीट ऊंचा फुब्बारा बना हुआ है। 4 घंटों से पानी लगातार बह रहा है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए निगम का कोई भी अमला नहीं पहुंचा। नजारा लोगों के लिए आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है। ये पानी देखिए किस तरह से बह रहा है और पानी की बर्बादी रोकने के लिए निगम का अमला अब तक नहीं पहुंचा है। जहां पानी की किल्लत बनी हुई है उसके बावजूद भी इस तरह से पानी को बर्बाद किया जा रहा है। बूंद बूंद की कीमत है पानी की, लेकिन यहां पर निगम का अमला इस पर कोई सुध नहीं ले रहा है और यहां पर पानी की लगातार बर्बादी होती जा रही है। ये पाइप फट जाने के कारण 4 घंटे से पानी लगातार यहां पर बह रहा है, उसके बावजूद भी निगम का अमला या निगम का कोई भी अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति इस पाइपलाइन को बंद करके इसकी मरम्मत करने के लिए नहीं पहुंचा। और यहां पर जो पानी है फुब्बारा नुमा बह रहा है, लोग इसे देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं, लेकिन निगम का जो अमला इसे दुरुस्त करने के लिए इसकी मरम्मत करने के लिए पहुंचना चाहिए वही नदारद है। अधिक जानकारी से शैलेंद्र पाठक जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये फुब्बारा जो पानी का चल रहा है ये बंद हुआ कि नहीं? ये अभी तक बंद नहीं हुआ है, ये निगम की जो लिंगहरदी की 75 फीट की टंकी है लगभग उसके बराबर का ये फुब्बारा उठ रहा है और इसको लेकर के जिस तरीके से सक्रियता से वजह से कई गैलन लाखों गैलन पानी जो है अभी तक से निकल गया है। जैसे की पानी की किल्लत रहती है नगर निगम में, ऐसे में जो नगर निगम की बड़ी लापरवाही है, कई घंटों से जो पानी इतना बड़ा फुब्बारा चल रहा है इतनी गंभीरता भी दिखानी चाहिए कि कोई मॉनिटरिंग करने भी क्या वाला नहीं है, जिसके कारण सूचना नहीं मिली है। निगम को सूचना भी दी गई है, मेयर को जरूर सूचना दी गई, तो उन्होंने कहा है कि गाँव में मतलब देखते हैं, लेकिन अभी तक जो जो फवारा है वो जारी है और वहां पर पूरा सड़कों पे पानी भर रहा है, पूरा स्कूल में पानी भर रहा है और ये अभी तक स्थिति कायम है। शैलेंद्र, ये जो पाइपलाइन फूटी है ये किस क्षेत्र में इस पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचता है? ये पाइपलाइन जो है क्योंकि जिस जगह पे है ये बोर से ही पानी वहां से निकलता है और बोर के माध्यम से टंकियों पे जाता है, लेकिन ये क्योंकि 4 से 5 फुट एक टंकी को भरने के लिए बनाए जाते हैं और ये ड्रेन पाइपलाइन फूटने से इतना बड़ा फवारा उठ रहा है। और उसको लेकर के क्योंकि अब तक तो देख लिया जाना चाहिए था, क्योंकि स्कूल सरकारी स्कूल है वहां पर पानी भर रहा है और ये फवारा दिन भर चल रहा है, मेन रोड में है नगर निगम के लिंगहरदी के जो मेन रोड पे ये स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद जो है इसमें अभी तक निगम का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा और ये अभी भी जो फवारा जो है इतना तेजी से जारी है। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शैलेंद्र। यहां पर आप देखिए नगर निगम की किस तरह से लापरवाही सामने आ रही है, लाखों गैलन पानी यहां पर बर्बाद हो रहा है।